अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज हमारे पास है हुआ वीवो वाई 90, 91, 93, 95 इसका मॉडल है। रेडियो ऑफ बता रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम इसको बनाने वाले हैं। आज कैसे हम इसको बनाएंगे, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। कॉल मिलाते हैं, कॉल एंड हो जाती है, नो या रेडियो ऑफ का ऑप्शन है, तो सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो फिर इसको हम करते हैं कैसे, इसका हम आईसी का मसला है। इसको हल करने के बाद फिर करेंगे थोड़ी सी आगे जाके सेटिंग। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। आज थोड़ा तबीयत मज़ा नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर रहा, थोड़ा आगे साउंड लगा देंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक और बात, ये जो मैं इसकी शीट उतार रहा हूँ, आईसी कवर उतार रहा हूँ, आईसी के ऊपर जो सपोर्ट लगी होती है, ये जो मैं उतार रहा हूँ आईसी कवर शीट मदरबोर्ड के ऊपर से, ये बहुत ही आराम से केयरफुली से उतारा करें, क्योंकि इसके नीचे कंपोनेंट छोटे छोटे रेजिस्टेंट डायोड आईसी लगे होते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सर्टिफिकेट 40-50 हज़ार रुपये का फिर बली गले पड़ जाएगी। तो बी केयरफुल, ये काम करने से पहले जो है ना बहुत ही ईजीली इसको जो है ना हर जगह को कवर कर लिया करें, जो क्योंकि प्लास्टिक के लगे होते हैं। बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, फिंगर कनेक्टर हो गया, सब कनेक्टर जो होते हैं वो तो प्लास्टिक के ऑलरेडी होते हैं। आपको पता है SMD में बहुत हीट होता है, एयर भी हीट बहुत हार्ड होता है, तो इससे वो पिघल जाते हैं, मतलब कंपोनेंट्स भी उठ सकते हैं। तो काइंडली बी केयर। अभी जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर इसको, इस नेटवर्क आईसी को हम रिहोट करेंगे, थोड़ा सा हीट मारेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो है ना मैं रिहोट कर रहा हूँ CPU को, अपना नेटवर्क आईसी को। नेटवर्क आईसी को लगाने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा आईसी था, वो मैंने रखा हुआ है, वो मैं लगाऊँगा बाद में, लेकिन वो वीडियो में नहीं दिखा सकते, वो बहुत बारीकी का काम होता है। तो एंटीना इसके पावर सिग्नल आईसी को हम लोग हीट मारेंगे, हीट मारने के बाद दोबारा चेक करेंगे कि नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। इसके साथ वो जुड़ा होता है छोटा सा आईसी साथ में, वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पर होता है। तो वीडियो बिल्कुल भी कंप्लीट देखेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। टेम्परेचर हल्का रख के रिहोट करना है इसको, नेटवर्क आईसी को। तो इसको करने के बाद फिर चेक करते हैं, मैंने रिहोट कर लिया, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर लगा के मदरबोर्ड में चेक करते हैं कि आया कि नेटवर्क आया कि नहीं आया, क्योंकि सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। रेडियो ऑफ बता रहा था, कॉल एंडेड बता रहा था, नो नेटवर्क बता रहा था, तो ये आ रहा था। अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये आईसी है जो इसकी मैं बात कर रहा था, छोटा सा है, 8 टांगे एक साइड है, 3 टांगे एक साइड है, तो ये लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, बहुत मुश्किल वर्क है ये। तो अभी हम चेक करेंगे मदरबोर्ड में लगा के। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेटवर्क आ चुका है, तो छोटी सी हमें सेटिंग करनी है, क्योंकि ये बार बार नेटवर्क नहीं पकड़ता है। नेटवर्क तो आ चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें थोड़ी सेटिंग करनी है। नेटवर्क में जाके 2G 4G करना है, और सेटिंग कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि ये क्या हो गया इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।